बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो चुके हैं। इन 100 साल में कई एक्टर्स आए और चले गए, कुछ ना पहचान बनाई तो कुछ गुमनाम हो गए। आज हम आपको ऐसे ही एक एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुश्किल से 4 फिल्मों की होगी, लेकिन इनकी खूबसूरती ही बॉलीवुड में सनसनी मचा दी। इस एक्ट्रेस का नाम है हेलन लुका। 70 के दशक में हेलन फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थे। इसके बाद 1980 में इन्होंने पहली बॉलीवुड फिल्म जुदाई में काम किया। फिल्म के ये साइड रोल के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद हेलन 2 और फिल्म साथ साथ और एक नया रिश्ते में नजर आई, लेकिन हेलन ज़्यादा समय तक बॉलीवुड में टिक नहीं पाई और अचानक गायब हो गई। फिल्मों में आने से पहले हेलन एक बड़े दर्द से उभरी थी। दरअसल हेलन बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी है। जी हाँ, मिथुन ये योग्यता वाली से शादी करने से पहले हेलन से शादी की थी। हेलन से शादी से पहले मिथुन का अफेयर एक्टर सारिका के साथ था, लेकिन सारिका से ब्रेकअप के बाद अब मिथुन को नया सहारे की तलाश थी। तभी इनका मुलाकात हेलन से हुई। दिल फेंक मिथुन को हेलन से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वहीं हेलन का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। दोनों साथ में समय बिताने लगे, लेकिन मिथुन जितना हेलन के प्यार में पागल थे उतना हेलन नहीं, इसलिए मिथुन उनके काफ़ी पीछे पड़ रहे रहते थे। मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उनके शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिरकार इन्होंने मुझसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी बताए 1979 में हमने शादी कर ली। इस समय हेलन की उम्र 21 साल थी। मिथुन भी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दोनों की शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी के बाद ही मिथुन का दिल अब योग्यता वाली पर आ चुका था। इस वजह से दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी। साथ ही मिथुन हेलन पर इनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद को लेकर काफ़ी टोर्न मारती थी। ये बात खुद हेलन ने कबूल की थी। हेलन ने कहा था कि मिथुन एक घर पर अपने 2 कजिन और 2 कुत्ते के साथ रहते थे। शादी के बाद मैं भी वहीं रहा रहती थी, लेकिन मिथुन के दोनों कजिन इनके पैसे खर्चा करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने जब मिथुन से इनके कजिन को अलग करने के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि वो जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन इनके कजन कहीं नहीं जाएगा।